बोलते हैं और बैरियर का क्या मतलब है। तो बैरियर पढ़ने के बाद आज आपको उसके नीचे, बैरियर के नीचे एक टॉपिक है कि बैरियर को कैसे दूर करेंगे। बैरियर मतलब क्या, जब आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब आप बात करते हो तो बात करने के टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत सारे दिक्कतें आती है, उन सारे दिक्कतों को आप कैसे दूर करोगे। एक बात बताइए, हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करना इतना आसान का है माय डियर स्टूडेंट? आपका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है, आपका मेंटालिटी अलग है, मेरा मेंटालिटी अलग है। सोच आपको पढ़ाए थे ना, सोच अलग होना, परसेप्शन अलग होना, माइंड सेट अलग होना कहीं ना कहीं एक बैरियर को जन्म देता है। ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं ये एग्जाम के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, और एग्जाम के साथ साथ आपको अपना जिंदगी में थोड़ा बहुत बात करना भी आ जाएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, कि कभी किसी से बात करने टाइम में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, जब आप किसी से बात करते हैं ना, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू टॉक टू समवन। व्हेन यू टॉक टू समवन, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो वो कौन कौन सा चीज़ है जो आप दिमाग में रखिएगा, वो कौन कौन सा चीज़ है जो आप ध्यान में रखिएगा। किसी से बात करने से पहले आपके ध्यान में क्या क्या चीज़ रहना चाहिए, आइए देखते हैं। तो आज आपको पढ़ाने वाले मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। हम लोग दोनों के बीच में जो दिक्कत आ रहा है, हम लोग दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कैसे करेंगे, वो प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। कैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगा, कैसे आप बहुत मीठा बोलने लगेंगे, कैसे आप मोदी जी की तरह बोलने लगेंगे। बात समझ लेना, मोदी जी का है, देखिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर का देश का, उनका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है, क्वालिटी है कम्युनिकेशन स्किल, और तो कुछ करते तो है ना, खाली मंत्रबाजी। बात समझे ना, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है, गजब का कम्युनिकेशन स्किल है, मित्रों ये कर देंगे वो कर देंगे, कब करेंगे नहीं पता लेकिन करेंगे। बात समझ ना, तो कम्युनिकेशन स्किल उनका बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। बस हमारा दीदी का कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है, बस मेरे इसलिए उनको सब लोग इतना परेशान कर रहे, इतना आप लोग मजाक उड़ा देते, बच्चे स्टेटस लगा देते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है आपको। आप देखो जब से हम आपको पढ़ा रहे ना, तो दो ही एग्जांपल आपको बार बार देते हैं, दीदी और दादा। तो दादा इज गुड बिकॉज हिज कम्युनिकेशन इज गुड। दादा का फैन फॉलोइंग इंडिया में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। वो जब बात बोलते हैं ना, सोच समझ के विचार करके बोलते हैं, उनका एक एक शब्द आपको दिल में टच कर जाएगा। लेकिन दीदी अच्छा भी बोलती है तो खराब लग जाता है, बस बोलती है अच्छा, आप देखोगे नोटिस करोगे बेचारी अच्छा बात ही बोलती है, लेकिन उनका इतना रूड टोन रहता है ना, लगता है नहीं बाबा क्या बोलती, फालतू बात बोलती, ऐसा लगता है। इसीलिए आपको दीदी का तरह कम्युनिकेशन स्किल नहीं करना है, काम करिए दीदी का तरह, कम्युनिकेशन बनाएंगे दादा का तरह। दीदी काम अच्छा करती है लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो दादा का ज़्यादा अच्छा है, दादा का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ गुड लीडर जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। बहुत कम लीडर का इंडिया में ऐसा कम्युनिकेशन स्किल होता है, बस समझिए। और उनका कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने ज़िंदगी में भी उसको इंप्रूव कर सकते हैं, लाइफस्टाइल भी आपको अच्छा लगेगा। इवन जो अगर आप किसी को दो कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा ना, तो आपका दुश्मन भी आपसे आगे बात करेगा, उसको लगेगा इससे बात करके देखते हैं कैसा है इंसान। बस समझ रहे ना, तो इवन इफ दैट पर्सन हेट्स यू, दे लव टू हियर यू, उनको आपको सुनना पसंद होगा। क्यों? अगर आप मीठा बोलेंगे तो, और अगर आप खराब बोलते हो, आपके शब्द अच्छे नहीं हैं, आपका शब्दों का चयन अच्छा नहीं है, शब्द सही से नहीं चुनते हैं, उल्टा पुल्टा शब्द बोल दे रहे, कहाँ क्या बोलना है नहीं बोल रहे, तो आपको दिक्कत होगा। अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कि जब किसी से बात करेंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान देंगे, ठीक है? क्योंकि आप अपने आसपास में भी देखेंगे, दोस्तों में भी देखते हैं ना, एक तो दोस्त ऐसा है जो खराब भी बोला ना तो अच्छा लगता है क्योंकि वो मीठा बोलता है, अगर दोस्त इतना खराब बोलता है ना उसका जहर निकलता है मुंह से, मतलब मीठा भी बोलेगा ना मगर बेटा वो ईटा लेके माथा फोड़ दे इसका, ऐसा होता है। आप देखना हर दोस्त यार में ना दो तीन दोस्त ऐसा होता है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन आएगा हाउ कैन यू ओवरकम द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन का बैरियर को दूर कैसे कर सकते हैं। और आप लोग में जो बच्चे लेट ज्वाइनिंग किए हैं, आप लोगों को ऑनलाइन वाला भेज देंगे, आप लोग ऑनलाइन वाला देख करके अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। आज जो लोग कभी कभी छूट जाएगा तो आपको ऑनलाइन वाला भेज देंगे, बेसिकली आप ऑफलाइन क्लास में ही हैं, किसी का छूट जाएगा तो ऑनलाइन वाला भेज देंगे, आप ऑनलाइन में पूरा ऐड मत हो जाइए। देखिए तो माय डियर स्टूडेंट, क्या क्या खराबी है, कम्युनिकेशन का बैरियर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। पहला तरीका है क्लेरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, बात करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि क्या बोलने जा रहे हैं। जिसको हिंदी बोलते हैं ना, जैसे होता है ना घर परिवार में भी मम्मी पापा बोलते हैं क्या बोल रहे हो, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, बोलते नहीं कभी कभी हम लोग, यही बात यहाँ बोला, क्लेरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। अब बात करने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं पहले सोच लीजिए, उसके बाद बात करिएगा। आपको हम पढ़ाने आ रहे हैं, हमको खुद पता नहीं हम क्या पढ़ाने आ रहे हैं। मान ली क्लास है बीसी का, पढ़ाने लग गए इसी क्लास है, इसी का पढ़ाने लग गया MMHNM, क्लास है MMHNM पढ़ाने लगे कॉस्टिंग, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। यू शुड बी नोइंग, यू शुड हैव द क्लियर आइडिया बिफोर यू कम्युनिकेट। किसी से बात करने से पहले ना थोड़ा सोच लिया करिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है, कहीं आप उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल रहे, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, ये सब चीज़ सोच लीजिएगा थोड़ा प्लीज़। देखिए क्या लिखा हुआ, द पर्सन सेंडिंग द मैसेज शुड बी क्लियर इन हिज माइंड अबाउट वॉट ही वॉन्ट्स टू से। मैसेज दे रहे हैं ना, थोड़ा सोच लीजिए, क्या पता सामने लगा कहीं ब्लॉक कर दे आपको। ही शुड नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज मैसेज, आपका मैसेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, नियत क्या है, नियत जिसको बोलते हैं, नियत सही है या नहीं।
एज अ टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, जब किसी से बात करें तो आपका नेचर कैसा है ये भी मैटर करता है। तो आप जब अपना नेचर को, अपना चरित्र को ध्यान में रख करके शब्दों को चुने, जब किसी से बात करते हैं थोड़ा सोच लीजिए कि क्या बोल रहे हैं, कहीं इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। अभी हम लोग का देश में प्रॉब्लम यही है, किसी को बुरा बोल के हम लोग बोलते हैं बुरा तो नहीं ना लग गया, वाह मतलब हर्ट कर दीजिएगा। अब मैंने कोई किसी को दोस्त को भरपूर गाली दे दिए, उसके बोले सॉरी बाबू तुम्हें बुरा लग गया क्या, अब गाली दिए तो बुरा तो लगेगा ना, स्वाभाविक सी बात है। तो ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा ही नहीं, उसको बोलने से पहले ही थोड़ा सोच लीजिए कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, ठीक है। पहला पॉइंट, इससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कम हो जाएगा, बातचीत में प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छा चीज़ है इसमें। दूसरा ये बाबू, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, डोंट स्पीक व्हाट यू लाइक, डोंट स्पीक व्हाट यू लाइक, जो आपको पसंद है वो मत बोलिए, स्पीक व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू हियर, आप वो बोलिए जो ऑडियंस को पसंद है। जब हम आपको एग्जांपल ममता दीदी और मोदी जी का दे रहे थे तो उसी एग्जांपल में आपको हम उसी उनका एग्जांपल में दे रहे हैं। अब देखोगे अभी तो इलेक्शन का टाइम चला, न्यूज़ व्यूज़ में भी आप देखोगे, देखो क्या है ना, दीदी वो बोलती है जो उनको अच्छा लगता है, दादा वो बोलते हैं जो ऑडियंस को अच्छा लगता है। आज जब आप ऑडियंस को टारगेट करके बोलेंगे ना तो सामने वाला अच्छा लगेगा। जैसे एग्जांपल दे रहे, सपोज मान लीजिए आप मेरा दोस्त है, बस समझ रहे, या आप मेरा भाई है, आप मेरा बहन की तरह है, मान लीजिए रास्ता में हम लोग मिल गए, अब मिलकर हम अपना कहानी सुना रहे, मेरा घर में हुआ, मेरा पापा फ्रिज लाए हैं, मेरा फ्रिज में आइसक्रीम बन रहा है, आइसक्रीम में खाई थी आइसक्रीम गल गया, बस समझ रहे ना, फिर अगला दिन आइसक्रीम देंगे, सामने वाला पगला होगा कि अपना कहानी सुनाने लग गया। तो डोंट स्पीक व्हाट यू वांट टू स्पीक, जो बोलना चाहते हैं मत बोलिए, जो वो सुनना चाहता है वो बोलिए। आप देखिए किसी को एक बार बताइए, देखो एक इंसान का नेचर होता है, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं ना, अगर हम ज़्यादा अपना बात करेंगे ना आपको अच्छा नहीं लगेगा, एक दिन आप खड़ा रहेगा दूसरे दिन हमको देख के भाग जाइएगा, लेने भैया के पास नहीं जाएंगे, बेटा फालतू का बिना मतलब का बोलने लगते हैं। जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं ना, दिमाग चाट लिया बोलते हैं ना कोलकाता में, दिमाग चाट लिया, दिमाग चाट लिया मतलब क्या, अपना कहानी आकर सुना रहा कि मेरा घर में वो, एक एक तो दोस्त देखोगे आप लोग का फ्रेंड सर्कल में भी एक दोस्त का आदत होता है कि मेरा पिताजी ये किए, मेरा घर में ये हुआ, मेरा घर में हुआ, मेरा घर में हुआ, अरे मेरा घर में भी तो पूछो क्या हुआ। आप नहीं पूछेंगे तो उनको बात करने में अच्छा कहाँ से लगेगा। कम्युनिकेशन टू वे होता है, और आप अपना बात को ही बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, मेरा घर में हुआ, मेरा घर में हुआ, मेरा घर में खीर बना था, खीर हम खा लिए, खा के सो गए नींद नहीं लग रहा था, अपने ही कहानी सुना रहे, मतलब अपना कहानी सुनाते जा रहे, भाई हम लोग का बात भी तो सुनिए। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप किसी से बात करते हैं ना तो आप वो मत बोलिए जो आप बोलना चाहते हो, आप वो बोलिए जो वो सुनना चाहता है। इसको कम्युनिकेशन में दुनिया में एक सुंदर सा शब्द बोला गया है, उसको बोलते हैं एम्पैथी। सिंपैथी आप सुने होंगे, एम्पैथी आप नहीं सुने होंगे। एम्पैथी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, पुट योर सेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर्स। जब आप किसी से बात करते हो ना तो खुद को उसके जूते में डालिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब हुआ कि आप खुद को उसके जगह पर लेके जाइए। जैसे एग्जांपल दे रहे, आप और आपका दोस्त दोनों एग्जाम दिए उच्च माध्यमिक, जस्ट टेक एन एग्जांपल, उच्च माध्यमिक दिए थे लास्ट ईयर, सपोज आपका मार्क्स बहुत अच्छा आया, आपका मार्क्स आया 90% और आपका दोस्त का मार्क्स आया 60%। अब आप दोस्त के पास जाकर अपना पढ़ाई करें, हम तो पूरा लिखे थे, हम तो भरपूर लिखे थे, वो तो और ज़्यादा मिलना चाहिए, हम तो बहुत अच्छा मार्क्स आया, थैंक गॉड हमको इतना मार्क्स दिए, हम तो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर दोस्त इरिटेट हो जाएगा, क्यों पता है, क्योंकि उसको लगेगा कि ये इंसान सिर्फ अपना बात कर रहा है, क्योंकि आप उसका दर्द नहीं समझ रहे कि वो 60% लाया है। बस समझ रहे, आपको ये समझना चाहिए, अच्छा कोई आपका दोस्त मान लीजिए फेल हो गया, एक दोस्त 60% लाया और एक दोस्त मान लीजिए फेल हो गया, जो दोस्त फेल हो गया उसको आप जाकर के क्या बोल रहे, बार बार उसको बोल रहे कि तुम्हारा तुम फेल हो गए, अच्छी तुम फेल हो गए, अच्छी। अब आप किसी को ऐसे ऐसे आप बोलिए तो उसको तो खराब लगेगा ही, उसके बोले बाबू तुमको बुरा लग गया क्या। अब बताइए कोई आदमी फेल हो गया उसका बार बार बोले फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, अब पता है जब आदमी फेल होता है ना उसको उतना बुरा नहीं लगता है, उसको बुरा कब लगता है, जब आप उसको याद दिलाते जहाँ मिलेगा ओहो तुम फेल हो गए, अच्छी विश्वास नहीं हो रहा तुम फेल हो गए, हम कभी सोचे नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ये सब जब आप बोल रहे हो ना उसको बुरा लग रहा है, आप समझिए। तो कभी भी आप उस फेलियर स्टूडेंट की तरह सोचिए कि अगर आप फेल होते तो आपका फीलिंग क्या होता है, और उसके सामने के वो बोलिए, उसके सामने आगे कैसे बात करेंगे, उसके सामने आगे बात करेंगे हाँ हम भी फेल ही हो गए, मेरा मार्क्स बेकार आया, हम तो एकदम खुश नहीं है, मेरे पिताजी को बहुत मारे, उसको अच्छा लगे, हाँ थैंक यू हम भी मार खाए तुम भी मार खाए अच्छा लगे। बात समझ रहे, क्योंकि देखो एक इंसान चाहता है ना कि मेरा तरह जो बात करेगा हम उसी से बात करेंगे, याद रखिएगा आपको सिखा रहे, बात समझ रहे ना। देखिए अभी हम पढ़े, अब हम कहाँ पढ़े, कौन सा बड़ा कॉलेज में पढ़े, छोटा कॉलेज में पढ़े, जो भी हम पढ़ाई किए, अब हम अगर आपको बार बार वही बोलते हैं कि नहीं हम गोयंका में पढ़े, हम गोयंका में पढ़े, हम गोयंका में पढ़े, ऐसे ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो आपको हिट करेगा ना कि बोले क्या यार अपना कहानी सुनाते रहते हैं हमेशा। कोई भी आदमी को याद रखे, कोई भी आदमी हम ही क्यों ना, आपके टीचर हैं हम, अगर आप क्लास पढ़ाते पढ़ाते भी अगर अपना कहानी सुना रहेंगे कि हम ये किए, हम वो किए, हम ये किए, तो बोले क्या फालतू अपना कहानी सुनाते रहते हैं हमेशा, लगेगा हम आपका कहानी कि हम आपके तरह थे तो ये किए, हम आपके तरह थे तो वो किए, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जब भी किसी से बात करते हैं ना तो आप उसका तरह बात करिए, अगर कोई दुखी है तो दुखी वाला बात करिए, सामने वाला दुखी आप खूब हंस रहे बोले चिल्ला रहे खुशी खुशी रहे पगला हो गए बोले तुमको पार्टी दे रहे हम टॉप के तुम वो फेल हो गया उसका दर्द बोलिए तुम फेल हो गए हो हम भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे बस अरे उसको बोल दीजिए बाद में ले लेंगे एडमिशन बाद में आगे एडमिशन ले लेंगे अगर कोई दोस्त आपके साथ फेल हो गया बोले ठीक है तुम फेल हो गए अब हम भी फेल हो जाएंगे
अब हम जा रहे हैं, मम्मी पापा बोलेंगे हम एक साल और उच्च माध्यमिक पढ़ेंगे। मम्मी पापा जाकर बोल रहे कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, क्योंकि मैं दोस्त जब पास हो के आएगा तो हम लोग एक साथ एडमिशन कराएंगे। ऐसे बोल दीजिए ना, बोलने में क्या जा रहा है, तब आपका दोस्त को अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो वेन एवर यू टॉक टू एनी वन, उसके जैसा बात करिए, अपने जैसा बात मत करिए, अपना बेनिफिट के लिए बात करें, अपना वाला बात बता रहे, उसके जैसा बात करिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़। अब भाई कंसल्ट अदर्स, देखिए क्या लिखा हुआ है, द सेंडर मस्ट पास ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच आर रिलेवेंट बाय द रिसीवर, दैट मीन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी ऑफ रिसीवर शुड बी अंडरस्टूड। अगला है कंसल्ट बिफोर अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। जब आपको खुद समझ ना आए ना बाबू, तो दूसरे से पूछ लीजिए कि ये बोलना सही रहेगा। बहुत बार क्या होता है ना, आप मैसेज जब किसी से चीट चैट करते हो, चीट चैट मतलब व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, तो आप अंट संट जो तो बोल देते हो, बाद में बोलते जा बाबा हम क्या बोल दिए, अब तुमको मार खाना पड़ेगा उसके भैया लोग से, अब ऐसा सोच ले रहे। अभी आप बोलने से पहले कहीं नहीं पूछ ले रहे, बोलने से पहले दोस्त से पूछ लीजिए, दो तीन दोस्त से पूछ ले कि हम ये आदमी को ये बात बोलने वाली बात सही है कि नहीं। तो जब अपना दिमाग काम ना करे, तो यहाँ पे भी बोला गया है कि जब आपका अपना दिमाग काम ना करे तो थोड़ा बगल वाला से पूछ लीजिए कि बोलना सही रहेगा या नहीं रहेगा। बगल वाला मतलब जो भी आपका दोस्त यार है उससे पूछ लिया करिए। तो जब भी किसी से बात करते हैं ना, थोड़ा पूछ लिया करिए कि ये बात बोलना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अगला आइए, अदर्स मस्ट बी कंसल्टेड एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द कम्युनिकेशन, इट्स मेन एडवांटेज विल बी दैट आइडियाज ऑफ अदर्स विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप तीन चार लोगों से लेते हो ना बात, तो सब आदमी का आइडिया मिला के एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। आप अपना एक आइडिया दीजिएगा, हम अपना एक आइडिया देंगे, हर आदमी अपना अपना एक आइडिया देगा ना, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा, जितना आइडिया रहेगा उतना ज़्यादा हम बोल पाएंगे, जितना कम आइडिया रहेगा उतना कम बोल पाएंगे। अगला आइए, आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है ये, बिवेयर ऑफ लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट। कंटेंट का स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, कंटिनेंट लिख दिया है, कंटेंट होगा, बिवेयर ऑफ लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट। बाबू सुनिएगा, किसी से बात करने जा रहे हैं, थोड़ा अपना भाषा सुधारिए, भाषा समझते ना, और जो अभी चलता है ना ट्रेंडिंग में, खाली से खाना खा लेगा तो इस सब भाषा, ते तो वाला भाषा ज़्यादा यूज मत करें, क्योंकि जितना ते तो वाला भाषा यूज़ करते हो ना, वो बताता है कि आप अभी भी शिक्षित होकर के भी अशिक्षित है। आप ते तो वाला भाषा यूज करें, तुम बोले कि क्या हुआ, जाओगे तो हम लोग का साथ, तो ऐसा ऐसा टोन में आप बात कर रहे हो ना। देखिए, व्हाट सोसाइटी इज डूइंग उससे हमको मतलब नहीं है, व्हाट यू आर डूइंग उससे आपको मतलब है। तो आप तो पढ़े लिखे, आप अगर पढ़ लिख करके भी वैसे बात करेंगे, और वो बंदा जो नहीं पढ़ा है बेचारा, वो अगर वैसे बात कर रहा, तो फिर आपका एजुकेशन तो बेकार हो गया, एजुकेशन हैज नो वर्थ। देखिए एजुकेशन इंसान, देखो इंसान वो भी है, इंसान आप भी हो, आपको समझदार बनाता है, वो इंसान बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है कहाँ पे क्या शब्द बोलना चाहिए। तो आप भी तो वही गलती कर रहे हो। हम लोग, आप लोग क्या है ना, अक्सर ऐसे उल्टा पुल्टा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखो जब हम लोग अपना रास्ते में जाते हैं, अपना मम्मी पापा को देखते हैं, तो हम लोग चुपचाप एकदम प्यार से बात करते हैं, पढ़ाई का बात, मेरा नोट किए सर बहुत अच्छा पढ़ाई, आपको पढ़ना है घर में आकर के, खूब पढ़ेंगे, बीसी का एग्जाम है अगला सप्ताह, एकदम खूब पढ़ाई का बात कर रहे हैं। वही अगर मान लीजिए अचानक से आप जैसे कि मम्मी पापा साइड हो गए, समझे, अब उसके बाद अमृत वर्षा शुरू, शुद्ध शुद्ध भाषा निकालने लगते हैं, गाली गलौज हंसी मजाक चिल्ला चिल्ली, नहीं आप समझिए। क्योंकि देखो, अपना पेरेंट्स कभी अपना बच्चा को जज नहीं करता, याद रखिएगा, दुनिया वाला ही आपको जज करेगा। तो आप लोग, हम लोग उल्टा स्टडी से जिंदगी जीता है इंसान, आदमी सोचता है कि अपना माँ बाप को खुश रखना है, दुनिया के सामने गाली देना है, आदमी ऐसा सोचता है। बस में जा रहा, भरपूर गाली गलौज कर रहा, चिल्ला चिल्ला के गाली दे रहा, गाली दीजिए आस्ते से दीजिए ना, आस्ते से, अपना दो दोस्त बैठे हैं आस्ते से गाली, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाली दे रहा है। अब अरे जब चिल्ला चिल्ला के आदमी गाली देता है, तो ये चीज़ तो आपका एक बैड इंप्रेशन पड़ता है ना, वो आदमी से लगा कहाँ से नोंगड़ा चिले, पता नहीं कैसे कैसे बाबा छी सोड़ा है। तो कोई अगर इंप्रेस होने वाला भी आपसे रहेगा तो इंप्रेस नहीं होगा, बस समझ, कोई अगर इंप्रेस होने वाला भी बोले नहीं नहीं लड़का से घटिया इंसान है, इससे बात नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। इसीलिए कभी भी जब आप किसी से बात करते हो ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका लैंग्वेज अच्छा हो, आपका टोन मैटर करता है। टोन, कटाक्ष हिंदी में बोलते हैं, कटाक्ष का मतलब होता है ना, आप हमेशा किसी को टोन मार देते हैं। एक होता है टॉन्ट, सुने ना, टॉन्ट किसको बोलते हैं, कमेंट मार देना किसी को, बुरा हर्ट करने वाला लाइन बोलना, बार बार आप ऐसा लाइन बोलो जो हमको बुरा लग जा रहा है, उसके बाद बोले बुरा तो नहीं लगा, बुरा तो नहीं लगा, ये इंसान का खराब है, बार बार बुरा लगवा के बोले बुरा नहीं लगा, बुरा नहीं लगा, बुरा तो लगेगा ना भाई, अपना टोन सुधारिए। आप लोग देखोगे ना, एक आदमी का टोन भी सही नहीं होता। टोन मतलब आपका साउंड कैसा निकलता है आपके वॉइस से, बात कैसे आप करते हो, मीठा बोलेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा, बस समझ रहे ना, और अगर आप खराब बोल देंगे तो आपका इमेज पूरा मार्केट में खराब हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करेंगे कि मीठा शब्दों का इस्तेमाल करें, कोशिश करेंगे कि रिस्पेक्ट दें, कोशिश करें कि अपना टोन भी सुधार के रखें, क्योंकि बहुत आदमी बोलता है अच्छा है लेकिन टोन उसका खराब रहता है, ये भी प्रॉब्लम होता है, टोन का इश्यू बहुत होता है, बस समझ रहे ना। अगर आप किसी को, जैसे मान लिया आप किसी के पीछे बैठे हैं और आपको दिक्कत हो रहा है, बोले हट, उसको तो खराब लगेगा ना, उसको बोले हट इधर से, तो उसको तो खराब लगेगा, ऐसा क्या बोला, उसका भी ईगो प्रॉब्लम, क्या हटेंगे, झगड़ा हो गया, मारा पीटी बाहर में, ठीक है वो 10 टोड़ का बुलाएगा, आप 10 टोड़ का बुलाएगा,
इसमें 11 का बच्चे लोग ना ज्यादा होता है, इसलिए एक्सपीरियंस है। 11 का बच्चे लोग में आया बोला एक लड़का बोला गेट खोल, लड़का नहीं बोला क्या खोले, छपाओ गेट मेरा है, कोचिंग मेरा, हम कुछ नहीं बोले, लड़का बोला गेट क्या खोले, बस समझ रहे। अब बोले तुमने कहा ईगो प्रॉब्लम, वो भी 11 वो भी 11 दोनों हमारा पीटी हो गया, लो बेटा, बस समझ रहे ना। अच्छा तो ये सब ईगो इश्यूज कहाँ होता है, छोटे छोटे बच्चों में, आप लोग में तो ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए। डोंट मैटर भैया, बोले वही बता भैया थोड़ा साइड दीजिए, भैया नहीं बोले बाबू थोड़ा साइड, बाबू नहीं बोले भाई थोड़ा साइड दीजिए। तो आप अगर टोन को अच्छा रखेंगे ना तो जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, टोन खराब कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और देखो लिखा होगा द सेंडर मस्ट बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, आपको समझ आना चाहिए कि मेरा भाषा क्या है। सिंस द फैक्ट और मैसेज शुड बी फ्रेम्ड इन क्लियर एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो खूबसूरत लगे और साफ सुथरा शब्द हो। अजीब अजीब वर्ड यूज कर रहे हैं आप, बॉम्बेस्टिक वर्ड बोलते हैं उसको, बॉम्बेस्टिक मतलब खतरनाक खतरनाक वर्ड, आप डिक्शनरी लेके बैठे हैं, बस डिक्शनरी, कोई भी दोस्त से चैटिंग करने आ रहा है आप डिक्शनरी लेके बैठे, बोले आप बोलो बेटा तुम अब इंग्लिश में चैट करो हमसे, अभी कोई दोस्त से इंग्लिश में चैट करे अंट सन ऐसे ऐसे इंग्लिश लिख रहे, बात समझ रहे ना। तो बस कोई दोस्त को बोले तुम कंजूस, बोले तू यार पेनोरियस, पेनोरियस बस मैं ना, पेनोरियस का मतलब होता है कंजूस, अब बोले तुम यार पेनोरियस, अब बेटा डिक्शनरी खोल के कि पेनोरियस मतलब क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब ऐसा ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तब तो कहाँ से कम्युनिकेशन होगा। अच्छा कम्युनिकेशन हमेशा सिंपल होता है, बस समझ रहे, हमेशा क्लियर कट होता है और सिंपल होता है। देखिए जैसे आपको हम इतना इंग्लिश लिख के भेजे ना वो काम नहीं, जो मास्क पहनने के लिए फायदा नहीं, हम एक बार लिखते बाबू मास्क पहन के आइएगा, अब जल्दी समझ जाते। तो इसमें थोड़ा ऑडियंस का भी गलती होता है, रिसीवर का भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं हर टाइम सेंटर का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि देखिए हम लोग चूंकि कोचिंग में, तो उसमें हिंदी लिख के क्या बार बार भेजेंगे, आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो थोड़ा इंग्लिश में लिख के भेजते प्लीज़ वियर द मास्क, तो उसमें अगर उसी में लिखते बाबू प्लीज़ मास्क पहन के आइएगा, आपको समझ आ जाता। तो ऑडियंस मैटर करता है माय डियर स्टूडेंट, ऑडियंस भी मैटर करता है, लेकिन ऑडियंस का बात बाद में होता है, पहले सेंडर को ठीक रहना चाहिए। सेंडर को क्या समझना चाहिए, सेंडर को ये समझना चाहिए कि हमको कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है और मेरा टोन कैसा होगा। देखिए देखिए द टोन ऑफ मैसेज मस्ट नॉट ऑल्सो अटैक लैंग्वेज, देखिए कैसे लिखे हम लोग नोट्स में कि बोला आपका टोन ऐसा नहीं हो जो अटैक कर दे फीलिंग को, मेरा फीलिंग पे अटैक कर दिया आप, मेरा फीलिंग को चोट पहुंचा दिया आप, चोट पहुंचा के बोल रहे बुरा तो नहीं लगा, ऐसा कैसे होगा बताइए, आप बुरा लगने वाला बात बोल दीजिए, हमको खराब लग गया उसका बोले बुरा तो नहीं लगा, बस समझ, बुरा तो लगेगा भाई। द कंटेंट ऑफ मैसेज शुड बी नॉट बी ओवरलोडेड बाय टेक्निकल वर्ड्स, बोला ओवरलोडेड मत रखिए अपना शब्दों को, ओवरलोडेड मतलब हाई फाई इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, ऐसा मत करिए आप। और ओवरलोडेड मतलब अंट संट बात बोले, ज़रूरत नहीं। आपसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या, बोले मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा एड्रेस यहाँ पे है, हम वहाँ पे रहते हैं, मेरा चार तल्ला में घर है, मेरा गेट में लाल रंग का ताला लगा हुआ है, इससे बात बोलना है कि आपसे नाम पूछे, नाम बताइए ना, ओवरलोडेड इसी को बोलते हैं अंट संट बोलना, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलिए ना, उससे ज़्यादा क्यों बोल रहे भाई। और भाई पॉइंट नंबर 5, 4 मार्क्स में 6 पॉइंट नंबर कवर किए हैं, छोटा छोटा पॉइंट है। पॉइंट नेक्स्ट पेज में आइए, पेज नंबर 42 में पॉइंट नंबर 5, बाबू इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, ये कोशिश करिए कि फीडबैक सही मिले, फीडबैक सही मिलना चाहिए भाई, फीडबैक मतलब रिप्लाई, क्योंकि रिप्लाई अगर सही नहीं मिलेगा तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा ही, रिप्लाई मिलना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप लोगों को हमेशा यही सिखाते हैं, कभी भी किसी से कम्युनिकेट करेंगे अगर वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो रिप्लाई देना ज़रूरी है। योर साइलेंस कैन नेवर बी योर स्पीच, आपका खामोशी कभी शब्द नहीं हो सकता, इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि हमेशा फीडबैक दें, अगर आपको फीडबैक देने का ज़रूरत है तो आप फीडबैक देंगे, फीडबैक मतलब रिप्लाई, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। द फीडबैक मस्ट बी इंश्योर्ड इन ऑल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इन केस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन फीडबैक कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द बायर, फेस टू फेस में, फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है ना उसमें आपका आपका रिएक्शन हमको फीडबैक दे देता है। आप क्लास में बैठते हो, कोई बच्चा मान लीजिए खुश है, पढ़ रहा है, इत्मीनान से सुन रहा है, समझ रहा है, तो समझ गया कि लड़का फीडबैक पॉजिटिव है। कोई बच्चा आया है मोबाइल चैटिंग करते आ रहा है, चैटिंग करते दिल बिल भेज रहा है क्लास के अंदर में, तो पढ़ाई ने पहले बताए किसी को इमोजी भेज दे रहे, हार्ट वाला इमोजी भेज दे रहे, तो ये सब मतलब क्या है, वो बच्चा का इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में नहीं है। तो फीडबैक फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ना उसका फेस से आपको फीडबैक मिल जाएगा। आप इंटरव्यू में जाते हो ना, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है जिससे ये देख ले कि इंसान काम करने लायक है भी कि नहीं, कि लक्षण इसका ठीक नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए रिटर्न एग्जाम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिटर्न एग्जाम पास कर जाते हैं, रिटर्न एग्जाम बहुत अच्छा दे देते हैं लेकिन फेस टू फेस में सामना नहीं कर पाते, सामने सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम लोग इंटरव्यू में छटा जाते हैं, क्योंकि बात ही नहीं कर पा रहा, एग्जाम तो दे दिया लेकिन उसको बोलने ही नहीं आ रहा, उसको कुछ बोल रहा रिएक्ट ही नहीं कर रहा। आपका रिएक्शन मैटर करता है, रिएक्शन से ही आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है फेस टू फेस में। रिटेन कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप के थ्रू है, फेसबुक के थ्रू, वहाँ पे रिप्लाई जिसको बोलते हैं आप लोग, तो रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी होता है, बात समझिए। उसके बाद है बाबू लास्ट पॉइंट, इसको पढ़ते पहले द फीडबैक मस्ट, ये तो हो गया, इट हेल्प्स टू इंप्रूव बेटर फ्यूचर कम्युनिकेशन। अगर आप हमको फीडबैक दें, जैसे मान लीजिए हम कुछ पढ़ा रहे हैं आपको और कुछ गलती हो गया, हो ही सकता है, इंसान है, गलती किसी से भी हो सकता है,
तो आप हमको बोलिए, ये नहीं कि भैया बुरा मानेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ये आपको हम सिखा रहे हैं, क्लास का बात होता है। कभी कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, आपको मान लीजिए कुछ वहाँ पे डाउट हुआ, तो ये नहीं कि मन में रख लिए कि नहीं नहीं पूछेंगे नहीं। अगर कुछ गलती होगी आप पूछेंगे, मेरे पास ही नहीं, कहीं भी किसी भी सर के पास पूछेंगे। पूछ के उनका क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन करते रहिए, जब तक समझ नहीं आए तब तक क्वेश्चन पूछते जाइए। बुरा लगने का कुछ नहीं, बस है ना। बुरा अगर किसी को बुरा लग गया, मतलब वो आदमी के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम है। क्योंकि कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का रूल होता है फीडबैक। आप हम कुछ पढ़ाए, आपको कुछ डाउट हुआ, आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन किए, पूछे, फिर आपको हम जवाब दिए, तो आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। और हमेशा फीडबैक क्यों ज़रूरी है, अगर कुछ गलती हो जाएगा तो इंसान ये कोशिश करेगा कि गलती दोबारा ना हो। आपको बताते हैं, जिस कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं होता है वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं है, फीडबैक मतलब चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बदलाव नहीं हो रहा है, वो बदल नहीं रहा है, इसका मतलब वो जो है ना वो बेकार है। जो कम्युनिकेशन बदलेगा नहीं, अगर मान लीजिए हम पिछला साल जो पढ़ाए थे, अगर इस साल भी वही पढ़ाएंगे तो फिर मैं पढ़ाई प्रोडक्टिव नहीं है। हर साल हम लोग को चेंज करना है, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो पढ़ाई कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, याद रखिएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, देखिए बहता हुआ जो नदी होता है ना, बहता हुआ जो नदी होता है, समुद्र होता है, वो सब जो होता है ना वो एकदम साफ सुथरा होता है। वो जो रनिंग होता है उसका पानी भी साफ सुथरा मिलेगा, तालाब का पानी गंदा मिलेगा, पता है, क्योंकि तालाब रुका हुआ होता है, समझ रहे ना। तो अगर जिंदगी में आप रुक जाएंगे तब जिंदगी गंदा हो जाएगी, रुक जाएंगे मतलब बस जो हम बोल दिए वही सही है, जो हम बोल दिए वही आपको मानना पड़ेगा। अगर ऐसा एटीट्यूड है मतलब गंदा एटीट्यूड है, तालाब वाला एटीट्यूड है। तालाब वाला एटीट्यूड क्या है, तालाब में देखिए एकदम गंदगी दिखेगा आपको, कोई भी एरिया का तालाब देख लीजिए, तालाब में देखते हैं ना गंदगी दिखता है। हाँ, बात अलग है कि अगर नेट में मारिएगा, कि जैसे दीघा ही, आप लोग में से कोई अगर दीघा गया होगा फैमिली के साथ तो उनको पता होगा, या कभी जाइएगा तो देखिएगा, दीघा जब लोग जाते हैं ना, जाने से पहले उनका एक्सपेक्टेशन रहता है, नेट में मारते हैं गूगल में कि सीन सब दिखा, तो वहाँ पे हरा हरा सीन दिखाएगा, हेवी हेवी पानी दिखाएगा, आपको ना गोवा वाला बीच वाला फीलिंग आएगा। तो वहाँ पे जाएंगे, जो वहाँ जाइएगा देखिए गंदा पानी, बस में गंदा पानी, अजीब अजीब लोग, ऐसा टाइप का फीलिंग आपको आएगा। तो देखिए जो चीज़ रुका हुआ होगा ना वो बेकार होगा, और जो चीज़ चेंजेस होता रहेगा ना, जिसमें चेंजेस होंगे वो सक्सेसफुल होगा। तो बहता हुआ चीज़ खूबसूरत होता है, रुका हुआ चीज़ खराब होता है। तो आपको फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपको अच्छा करना है भविष्य में। और आइए, बी अ गुड लिसनर। सिर्फ बोलना, सिर्फ ज़्यादा बोलने से इंसान अच्छा नहीं होता, सुनने का क्षमता भी होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इनके अंदर सारा क्वालिटी है लेकिन उनके अंदर सुनने का क्षमता नहीं, ये खराबी। यू शुड हैव द कैपेसिटी टू हियर। सुनने का क्षमता लाएंगे आप अपने अंदर, आप सुन नहीं सकते मतलब कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं होगा। आपको सुनना पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाला का क्या पर्पज़ है, सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन में सुनना बहुत ज़रूरी है, बिना सुने हुए कम्युनिकेशन कम्प्लीट नहीं होता। देखिए लिखा होगा, बोथ सेंडर एंड रिसीवर शुड बी अ गुड लिसनर, बोथ शुड बी रेडी टू लिसन टू ईच अदर। दोनों के अंदर गुड लिसनर होंगे, दोनों एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड सुनने के टाइम में पॉजिटिव होगा, पेशेंस होगा एंड ओपन अप मेंटालिटी। मतलब माय डियर स्टूडेंट,